बुंदेलखंड के लोगों में आज भी लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जिसका फायदा कुछ जालसाज लोग उठाकर गरीबों को लूटते नजर आते हैं। गुनिया के साथ गड़े धन को खोजने गए एक जालसाज युवक की संदिग्ध मौत हो गई। राज तब खुला जब उसके दोस्त ने पूरी कहानी सुनाई। देखिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की खास रिपोर्ट। जल्द अमीर बनने की चाहत में लोग जालसाज और फरेबी लोगों के चक्कर में पड़कर अपना समय और जेब का पैसा तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही कभी कभी उन्हें इस लालच में अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। कुछ यही हुआ लहचुरा के खंद्रका गांव में रहने वाले 28 वर्षीय युवक राजेश के साथ। दरअसल राजेश अपने एक दोस्त और एक तांत्रिक के साथ फरीदाबाद दफीना यानी कि जमीन में गड़े हुए धन की तलाश में गया था। धन तो नहीं मिला, लेकिन वापस आते आते युवक राजेश पहले बीमार हुआ और मऊरानीपुर आते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस मौत को हत्या कहे या हादसा कि जो शख्स बिल्कुल ठीक ठाक और जोश के साथ फरीदाबाद गया था, वह अचानक ही काल के गाल में कैसे समा गया। हमारा बच्चा खत्म हुआ, इंदर ले गए थे। कब की घटना है ये? अब पाँच आज तो 25 तारीख को, मतलब जी सीडी आते पूरे ले आते एक्सपायर होते हैं। वहीं से कहाँ ले गए थे जी? फरीदाबाद ले गए थे। आपका बच्चा कहाँ पर था? मंडी में नौकरी का काम करता था। हाँ, क्वार्टर पर रहता। अब इन लोगों की सलाह तो दो जन की बनी, तीसरे आदमी का भी हाथों संग, लेकिन उसने छोड़ दिया निवाड़ी वो आदमी। वो बेहोशी की हालत में मिला, मैंने उनको जगाया, राजेश ड्यूटी पे नहीं चलना है। तो जब बोला मुझसे राजेश के मेरी कढ़ाई में दर्द है, हम पे उठते नहीं बन रहा, तो हमने अपनी झाड़ू उठाई, मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। 9 बजे जब लौट के आए तो हमको इंदल मिली। इंदल से बातचीत हुई, हमने कहा यार इसको क्या हुआ? कहने लगे उधर गए थे, भगत जी मिले हमें, भगत जी भी साथ थे। और भगत जी कौन थे? भगत जी का कोई नाम ही नहीं बताया उन्हें। मतलब कोई किसी का नाम है कि या कोई गुनिया टाइप? गुनिया टाइप का, भगत जी उसी को कहते हैं जो गुनिया टाइप करे उधर। तो उन्होंने बताया मुझे, तो फिर हम लोग जो है उधर पे बने रहे। अब इंदल जो है पूरी कहानी अपनी नहीं बता रहे थे कि कहाँ से कैसे जे आए जरूर है, हमको तो बेहोशी हालत में मिला है। राजेश मऊरानीपुर गल्ला मंडी में ठेकेदार के यहाँ कार्य करता था। पिछले दिनों ये खंद्रका में रहने वाले इंदल और निवाड़ी मध्य प्रदेश निवासी एक तांत्रिक के साथ फरीदाबाद गया हुआ था। यहाँ से राजेश बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब यह तीनों वापस आ रहे थे तब राजेश बीमार हो चुका था। इतना बीमार कि उसे रेलवे स्टेशन से कुलियों के सहारे गाड़ी में डालकर लाया गया और मऊरानीपुर तक आते आते वह निढाल हो गया। राजेश की खराब हालत देख तांत्रिक निवाड़ी में उतरकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन इंदल उसे अपने साथ मऊरानीपुर लेकर आया और मंडी के आवास में सारी रात रहा। सुबह लोगों ने देखा कि राजेश मरणासन्न स्थिति में आवास के ही कमरे में पड़ा हुआ है और इंदल वहां से फरार है। तब वहां के लोगों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां उसे झांसी भेज दिया गया। उपचार के बाद मऊरानीपुर वापस लौटते समय रास्ते में राजेश ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना लहचुरा पुलिस को दे दी गई है। इस संबंध में मृतक के दोस्त रवि कुमार पुत्र नूनी मऊरानीपुर निवासी ने घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। क्या घटना हुई थी इनके साथ? घटना ये हुई कि जिस रात में जो आए होंगे, हम सुबह गए अपने स्कूल जा रहे थे। स्कूल से मैंने चैनल खुला देखा उधर, तो उधर जे नीचे डले थे, नीचे पुट्ठे पे डले थे, बेहोश थे। क्या बताया लोगों ने? इंदल से पूछा कि इंदल क्या हो गया इनको, कक्का भी था सरमन, तो पूछा तो इंदल बोले कि हम लोग गए थे फरीदाबाद। फरीदाबाद गए, हमारे साथ में एक भगत जी गया था। भगत जी बोले हाँ तांत्रिक है। अगले बोले वो गए थे, बोले राजेश ने उसको बुलवाया था भगत जी को, हम भगत जी को नहीं जानते, लुआ हम गए थे। सो बोले निवाड़ी से वो शामिल हो गया था, पहुँचे झांसी, झांसी से पहुँचे फरीदाबाद। जे काम के लिए गए थे, माल के लिए गए थे। दफीना? हाँ दफीना के लिए गए थे ये लोग। हाँ इंदल ने बताया कि बोले हम दफीने के चक्कर में गए थे। हाँ फिर क्या हुआ? तो इंदल बोले कि वहाँ रुके हम दो दिना, बोले हमको बुखार चढ़ा, तो हम बोले पढ़ रहे। वो भगत जी और राजेश गए घूमने के लिए, उसमें से उधर से आए, तो तीनों जने साथ में हो गए। तो राजेश गए बाथरूम करने, हम लोग बैठ गए एक जगह बाथरूम करने गए,
तो जो 15 मिनट नहीं आए उसको हमने सोचा कि उसमें कि जो अभी तक नहीं आया तो हम देखने गए अंदर, बोले देखने गए और देखने गए तो जो वहाँ खड्ड पे मट्टी या कूड़े आता नीचे डला था जी बेहोश। तो बोले हमने आवाज़ दी तो वो नहीं सुना उसने, तो आदमी काफ़ी जुड़ गए, उनने पानी वानी किंचा सब किया, जब नहीं उठा तो ऑटो करके हम स्टेशन लाए इसको। स्टेशन लाने के बाद उत्कल गाड़ी में बैठा रहा, पर लटा के लाया गया गैलरी में, उत्कल से ले आकर झांसी उतारा। वो नहीं बताया, बोले वहाँ तबीयत खराब हो गई उसकी, पेशाब करने गया तो जो गिर गया जी नहीं, वो इतना बोले गए थे अकेले, बोले कोई काम नहीं हुआ, बोले काम नहीं हुआ सर, हाँ बोले काम नहीं हुआ है वो। युवक की मौत की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आ सकेगी, लेकिन जिस तरह से यह मौत हुई है वह राजेश की मौत के पीछे एक गहरे षड्यंत्र की तरफ भी इशारा कर रही है। न्यूज़ बीके के लिए बहुरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।